पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम। दिल्ली एनसीआर में बारिश से लुढ़का पहाड़। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अगले 24 घंटा हिमस्खलन की चेतावनी। हिमाचल के मनाली में चंद्रखणी दर्रे पर फंसे दो युवकों को बचाया गया। कुल 6 युवकों को किया गया था एयरलिफ्ट। ट्रैकिंग पर गए थे सभी। आरएसएस ने कहा संपन्न वर्ग छोड़ दिया आरक्षण। पिछड़े वर्ग के जरूरतमंद लोगों के आरक्षण पर गौर अब करने की जरूरत। सदन में आज गूंज सकता है गुलाम नबी आजाद के विवाद बयान का मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद कर सकते हैं माफी मांगने की मांग। गुलाम नबी ने आरएसएस की आईएसआई से की थी तुलना। लोकसभा में आज पेश हो सकता है रियल एस्टेट बिल। राष्ट्रपति की मुहर के बाद बन जाएगा कानून। राज्यसभा से पहले ही हो चुका है पास। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज। सीमेंट टैक्स और अतिरिक्त टैक्स बढ़ोतरी पर लग सकती है मुहर। कानपुर के मेट्रो डीपीआर को भी मंजूरी संभव। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर राहुल गांधी। सतनामी समुदाय के धर्मस्थल गिरोदपुरी धाम की करेंगे यात्रा। दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश। आगरा में बेखौफ बदमाश पेपर व्यापारी के बेटे के घर से अपहरण। सीसीटीवी में कैद वारदात। तलाश में जुट गई पुलिस की कई टीमें। मेरठ में नकली कॉस्मेटिक की फैक्ट्री का पर्दाफाश। ब्रांडेड कंपनी के नकली कॉस्मेटिक्स बरामद। पुलिस ने एक शख्स की गिरफ्तारी की। दिल्ली में आज से ऑटो और टैक्सी यूनियन का प्रदर्शन। ऐप आधारित कैब सेवाओं के खिलाफ हल्ला बोल। राजघाट से दिल्ली सचिवालय तक निकालेंगे मार्च। कानपुर में बिस्किट फैक्ट्री में लापरवाही की लपटों में लाखों का नुकसान। एक मजदूर की गई जान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तुर्की की राजधानी अंकारा में कार धमाके में 34 लोगों की मौत, 125 से ज्यादा घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा की।